हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है। वैसे काफ़ी सारे वीडियो आ गए हैं जो मतलब लूप मेकिंग के हैं और मेलोडी एडिटिंग वगैरह, और बेंजो की अभी भी रिसेंट में एक वीडियो आई है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो देख लें, और हो सकता है कुछ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे आपका कुछ भला हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आज हम थोड़ा सा बनाने वाले हैं राइजर, और उसके साथ थोड़ा सा BHTB वगैरह भी यूज करेंगे राइजर के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लेट नहीं करते हैं। पहले मैंने कुछ बना के रखा था, तो पहले आप सुन लीजिए कि कैसा है और कमेंट करिएगा ज़रूर, ठीक है। तो अभी मैंने इसको मास्टर किया नहीं है, अगर मास्टर होगा तो थोड़ा सा मतलब और भी अच्छा होगा। तो कमेंट करिएगा कि मतलब ये कैसा बना है। तो चलिए हम अपने राइजर पे आते हैं, और कुछ उसके लिए मुझे चाहिए था स्नेयर, तो पहले मैं स्नेयर ले लेता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं इसी को ले लेता हूँ क्योंकि मेरे लिए तो यही सही लग रहा है। तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और पियानो रोल में चला जाऊँगा, क्योंकि राइजर जो है मैं पियानो रोल से ही बना सकता हूँ, ठीक है। और जैसा कि CP में बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। और थोड़ा सा मैं इसका आउट कम कर लूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है। और मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा, पहले 1 बार पे Ctrl+B दबाएगा तो डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1/2 स्टेप पे, और यहाँ से भी मैं करूंगा इसको। और उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको एडिट करूंगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि ज़्यादा एडिटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनते सुनते हुए मैं इसको देखूंगा कि मुझे कहाँ ज़रूरत है, और आपको भी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे काट लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसका 2 ले लेता हूँ क्योंकि हो सकता है मुझे कहीं काम पड़ जाए इसका। तो 1 मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। और लास्ट वाले में मैं लगाना चाहूँगा इसको, और इसको मैं लास्ट में यूज करूँगा क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग रखूँगा तो मेरे लिए दिक्कत करेगा। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ आगे के लिए, और इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ Ctrl+B दबा के, और यहाँ पे फिर देखता हूँ कि और कहाँ मुझे ज़रूरत है। तो यहाँ यहाँ भी मैं कर लेता हूँ इसको, और सुन लेते हैं पहले इसको। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इसको मुझे आगे रखना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा इसको आउट कर रहा है ये। और यहाँ पे मैं इसको 2 टाइम यूज करूँगा क्योंकि जैसे जैसे मेरा राइजर आगे जाएगा और वैसे वैसे में मतलब मेरा जो मतलब जिसका जो फास्ट वाला मतलब मोशन है उसको मैं थोड़ा सा ऐड करता जाऊंगा, ताकि मतलब कि जैसे गाने के हिसाब से, जैसे मान लीजिए ऊपर चढ़ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे इसको थोड़ा सा फास्ट दिखाना पड़ेगा। तो सुनते हैं पहले इसको। तो कोई दिक्कत नहीं, इतना मेरे लिए बहुत है। तो इसके सपोर्ट में हम मतलब बना लेते हैं एक अप फ्लिप्टर, तो उस BST का नाम 3X ऑक्सीलेटर। और मैं इसका जो मतलब ये हमारा 24% दिख रहा है, इसको मैं 0 कर दूंगा, और इसको भी, और इसको मैं अलग ही बनाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले इसको पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो और इसका रीनेम कर लेता हूँ क्योंकि नाम नहीं लिख रहेंगे तो समझ नहीं आएगा, तो कोई नहीं। और इसमें भी इसका भी जो हमने 3X ऑक्सीलेटर लिया है इसका भी रीनेम कर लेते हैं, केवल मैं यहाँ इसको 3X लिख दूंगा, बहुत है उतना, क्योंकि मेरे समझने के लिए इतना बहुत है। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो तो आप पूरा रीनेम कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा एलिमेंट हो जाते हैं ना, तो मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं,
वो आपका चॉइस है, उसमें मेरा कोई मतलब रोल नहीं है, ठीक है। तो मेरा जैसे कि ये सॉन्ग था एफ शार्प का, तो मैं एफ शार्प से ही बनाऊंगा। और तीन बार का ही मुझे ज़रूरत है, ठीक है ना, तो मैं इसको तीन बार का ही करूँगा। और आपको जिस अकॉर्डिंग आपको ज़रूरत हो आप उसी के अकॉर्डिंग इसको करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो मतलब ले कहाँ जाओगे उसको यार। और यहाँ पे ये मतलब जो अप वाला होता है ऑप्शन ये वाला, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है ना। तो मैंने इसको दो नोट ऊपर रखा है, बाकी आप एक नोट भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब ये अपिंग में जाए। अब जैसे कि अभी आप इसको सुनेंगे, तो और इसके साथ मैं एक यूज करूँगा हार्मर, ठीक है ना, क्योंकि हार्मर में एक मतलब प्रीसेट होता है, मैं इसको सेव करके रखा हूँ, ये पावर अप 01, ठीक है ना, यहीं पर होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर रहता है। ये रहा, पावर 1 भी है और 2 भी है, तो पहले मैं लगा के देखता हूँ 1, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 1 को यूज करने वाला हूँ, आपका जो भी इच्छा हो आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका वॉल्यूम थोड़ा सा मैं कम कर लूँगा, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं जितना लॉन्ग कर रहा हूँ उतना ज़्यादा मतलब ये अटैक कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दो बार पे ही ज़्यादा बेहतर काम करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको एनिमेशन से ऐड कर लूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार सुन लेते हैं, शायद मैंने सुनने में गलती कर दिया हो। तो ये दो बार पे ही अप्लाई हो रहा है, तो ज़्यादा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको दो बार पे ही अप्लाई करूँगा, ठीक है ना, और एक वाला तो मेरा चलेगा वैसे में, लेकिन और उसके लिए मैं एनिमेशन ले लूँगा। और इसका जो मतलब जो वॉल्यूम मतलब मेरा बैलेंस है, तो मैं यहाँ से इसका एक एनिमेशन ले लेता हूँ, ठीक है। और एनिमेशन करने से पहले आप इसको एरिया को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसा कि एनिमेशन का अगर आप वीडियो देखे हैं तो मैंने उसमें भी बताया था। तो क्रिएट ऑटोमेशन क्लिक करेंगे और ये लेवल थोड़ा सा अप कर देंगे, और इसको पूरा डाउन कर दीजिएगा, ताकि मतलब जब जैसे जैसे ये आगे बढ़े वैसे वैसे मेरा मतलब कि अप्लाई हो, ठीक है। तो मैं सारे एलिमेंट को बंद करता हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा लाउड है, तो इसको बैलेंस करना भी ज़रूरी है। तो एक एनिमेशन और मैं लेता हूँ इसका, जो हमने स्नेयर ले रखा है, ठीक है। और ये वाला सिरा मैं इसको डाउन कर दूंगा, और इसको मैं थोड़ा सा रखूंगा, क्योंकि जब मैंने इसको 0 रखा है तो अकॉर्डिंग आप इसको 12-15 जो भी होता है परसेंटेज आप रख सकते हैं, जैसा कि देखिए वहाँ पे 63% दिखा रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको रखूंगा 47 रख के देख लेते हैं कैसा लगेगा ये। तो मेरा स्नेयर बहुत ज़्यादा दब रहा था, तो मैं यहाँ से इसको इस शेप में बना लेता हूँ, ठीक है। और अभी हमारा सबसे ज़्यादा लाउड पॉइंट जो है 3x ऑक्सीलेटर है, ठीक है ना, तो मैं उस पर भी एनिमेशन अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको मतलब मैं राइट क्लिक करूँगा और क्रिएट ऑटोमेशन कर लूँगा, ठीक है। और सेम है जैसा मैंने कि स्नेयर को बनाया है वैसा ही बनाऊँगा। और ये जो पावर वाला है इस शेप में मैं इसको नहीं करने वाला, तो मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ बैलेंस, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और अमाउंट थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँगा। तो मैंने जो एरिया सिलेक्ट किया है ये मेरे लिए तो एक हिसाब से मतलब कम है, ठीक है, लेकिन मुझे गाने में इतना ही चाहिए था, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा वोकल को ऑन कर देता हूँ और उसके बाद फिर सुनते हैं।
तो मेरा हार्मर कुछ ज़्यादा अटैक कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसका जो लेवल है और भी कम रखूँगा, ठीक है ना। मतलब एक जो सटल सा फील देने के लिए होना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं। तो और भी मैं कम कर लेता हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे में थोड़ा सा बैलेंस जो है ना इसका थोड़ा समझ नहीं आ रहा मेरे को, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अराउंड मैंने इसको रखा है 18%, आप देखते हैं। और इन सबको ऑफ करने के बाद एक बार सुन लेते हैं कि मतलब हमने बनाया क्या था, ठीक है। और उसके बाद फिर तो सुना ही जाएगा। और मेरा बेंजो ऑन है, तो बेंजो बंद कर देता हूँ। और ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, अगर इसको डाउन करेंगे तो ये मतलब हल्का हल्का काम करेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको हल्का सा डाउन कर देता हूँ। तो मेरे लिए इतना बहुत है, बाकी आप अगर बनाते हैं तो इसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनल में कुछ ऐसा लगेगा। और मैं वोकल बंद कर देता हूँ, तो मेरा कोडिंग शायद ऑफ है। बाकी आप इससे भी अच्छा रिवर बना सकते हैं, क्योंकि मैं 10 मिनट में आपको और क्या समझाऊं, ठीक है। ये तो एक तरीका था, ठीक है ना। बाकी आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं और आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं देखूं कि मतलब आप कितना बेहतर से बेहतर सीख रहे हैं। और जो आपको जो फिलर मेकिंग का वीडियो है उसको देखें, और उसमें अगर स्क्रीनशॉट को आपको ज़रूरत पड़ता है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको एक बेहतर मतलब शेप बना रहेगा आपका, कि मतलब उसको कैसे यूज करना है। क्योंकि वीडियो जो होता है, वीडियो बार बार देखने से आदमी इरीटेट होता है, ठीक है ना। मतलब तो वो चीज़ मत बनिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए बाकायदे, आप उसको जूम करके देखिए कि कहाँ फील किया है, ठीक है ना। बाकी आप तो समझदार हैं यार, तो उसमें आपको समझाने के काज जरूरत है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।